सुपर फोर में भारत और श्रीलंका का आमना सामना हो रहा था। इस मुकाबले में श्रीलंका के स्पिनर गेंदबाजों ने भारत के बल्लेबाजों की नाक में दम करके रख दिया। विराट कोहली और सुमन गिल समेत अन्य कई खिलाड़ी इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके। श्रीलंका ने इस मैच में भारत की हालत पतली कर दी, जिसकी वजह से टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर काफी नाराज नजर आए और उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 6 महीने बाद धमाकेदार वापसी की है। एशिया कप 2023 में वह बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग में भी कमाल करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और अगर आपको ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें आपका सपोर्ट मिल सके। एशिया कप में श्रीलंका का प्रदर्शन बाकियों के मुकाबले काफी बढ़िया रहता है। श्रीलंका घरेलू कंडीशन में काफी खतरनाक हो जाती है, इसी वजह से भारतीय बल्लेबाज लंकाई गेंदबाजों के सामने रन बनाने में संघर्ष करते हुए नजर आए। खास बात यह रही कि भारत के 10 के 10 बल्लेबाजों के विकेट स्पिनर गेंदबाजों ने लिए। यही कारण रहा कि ईशान किशन जैसे बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट भी काफी कम रहा। हालांकि ईशान किशन चाहते तो पांड्या के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए भारत की पारी को आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन वो बड़े शॉट खेलने के लिए गए और उन्होंने जल्दबाजी में अपना अहम विकेट गंवा दिया, जिस पर गौतम गंभीर ने उनकी आलोचना करते हुए कहा, ईशान किशन को स्ट्राइक रोटेट करने के बारे में सीखना होगा। युवा बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में इसकी जरूरत नहीं है। अभी आपके पास रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, लेकिन उनके जाने के बाद टीम इंडिया को बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 6 महीने बाद धमाकेदार वापसी की है। इतना ही नहीं, राहुल मुकाबले में साथी खिलाड़ियों को सलाह भी देते नजर आए और इसका अंजाम यह हुआ कि भारत कम स्कोर बनाने के बाद भी 41 रनों से मैच जीत गया। हमने श्रीलंका के साथ खेले गए मैच में केएल राहुल को धोनी की तरह कुलदीप यादव को सलाह देते हुए देखा, जिसके बाद धाकड़ स्पिनर कुलदीप यादव ने ऐसी गेंद डाली कि बल्लेबाज बीट हो गया। दरअसल हुआ ये कि श्रीलंका की पारी के दौरान केएल राहुल को कुलदीप यादव के साथ बात करते हुए देखा गया था। दिमुथ कुलरत्ने के आउट हो जाने के बाद टीम इंडिया विकेट के लिए संघर्ष कर रही थी। सदीरा और असलंका ने अच्छी साझेदारी कर टीम की पारी को संभाला हुआ था, जिसकी वजह से भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। ऐसे में कुलदीप यादव का स्पेल शुरू होने से पहले केएल राहुल उनके पास गए और उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। दोनों के बीच कुछ देर तक चर्चा हुई। इसके बाद जब कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की तो उन्होंने तीसरी ही गेंद पर सदीरा का विकेट निकाला। केएल राहुल ने उन्हें स्टंप आउट किया। इसके बाद उन्होंने चरित असलंका को भी विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों आउट करा दिया। कुलदीप यादव के ये 2 विकेट लेने के बाद दर्शकों को केएल राहुल में एमएस धोनी की झलक नजर आने लगी, क्योंकि धोनी भी अपने समय में साथी खिलाड़ियों को ऐसी ही सलाह देते नजर आते थे। खैर, ये एक अपडेट था आप लोगों के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से आप लोगों के लिए खाली है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।